नमस्कार, मैं विनोद कुमार एक बार फिर लेकर आया हूं एक नई खबर के साथ। खबर को जानने से पहले इसको लाइक और फॉलो जरूर करें। आइए जानते हैं खबर क्या है। कोरोना की टेस्टिंग में योगी सरकार ने बनाया नया कीर्तिमान। जी हां दोस्तों, कोरोना की टेस्टिंग में योगी सरकार ने बनाया नया कीर्तिमान, महाराष्ट्र और दिल्ली को भी पीछे छोड़ा। उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, हालांकि यूपी में वायरस पॉजिटिव आने का प्रतिशत कम है। अब तक यूपी में 47,000 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% है। कोरोना के टेस्टिंग के मामले में यूपी नया कीर्तिमान बनाता जा रहा है। यूपी में कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे पिछले दो हफ्ते से राज्य में ज़्यादा टेस्टिंग होना है। योगी सरकार की सक्रियता से टेस्टिंग के मामले रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर बढ़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, हालांकि यूपी में वायरस पॉजिटिव आने का प्रतिशत कम है। अब तक यूपी में 47,000 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट मात्र 4% है। टेस्टिंग सैंपल की जांच के आंकड़े उत्साह बढ़ाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अब दो हफ्ते 2 जुलाई से 15 जुलाई तक के आंकड़े देखें तो 4,00,000 सैंपलों की जांच हुई है। जांच की इस तेजी ने राम महाराष्ट्र और दिल्ली को खासा पीछे छोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, जांच में जो है दिल्ली और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में 3,00,000 टेस्टिंग की गई है, जबकि दिल्ली में 1,63,000 जांचें हुई है। यूपी में कोरोना से संक्रमितों की संख्या भी कम है। दिल्ली में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले 1.22 लाख पहुंच गए हैं। कर्नाटक में 59,000, गुजरात में अब तक 47,476 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक इन राज्यों की अपेक्षा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी कम है। धन्यवाद।